हेलो फ्रेंड्स, वेविंग बटरफ्लाइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरा अपना DIY बीबी क्रीम। तो देखो आओ, मैंने इसको किस तरह से बनाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो भी आप इस्तेमाल करते हो आप ले सकते हो, या मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन क्रीम भी ले सकते हो। तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। तो देखो आप, ये मैंने डाल लिया एक अच्छा साफ़ सुथरे कंटेनर में, बाउल में सॉरी। और मैं साथ में लूँगी सनस्क्रीन लूँगी, ये मैं आधा चम्मच लूँगी, आधे से भी कम क्वांटिटी में लूँगी, ताकि मुझे पहले कुछ फेस पर लगाने की यानी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसमें ही मिल जाए मुझे सनस्क्रीन। ये मैंने ऐड कर लिया है साथ में। अगर आप चाहो तो एज अ प्राइमर आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर मेरे पास ये मैक का प्राइमर है, मैं इसका यूज़ कर लूँगी इसमें ही डाल के। ये भी मैं आधे चम्मच से कम क्वांटिटी में लूँगी, ये 4 से 5 ड्रॉप मैं ले लूँगी, इतना काफ़ी है। अभी तक मैंने ये 3 चीज़ें डाली है। साथ में मैं आपको बताऊंगी इसमें मैं कलर के लिए ऐड करूंगी कॉफ़ी पाउडर। अरे ये मेरा ज़रा थिक हो गया पानी गिरने से कॉफ़ी पाउडर। और मैं साथ में लूंगी ये कस्तूरी हल्दी है, इसको वाइल्ड हल्दी भी कहा जाता है, ये मैं ज़रा सी लूंगी स्किन कलर के हिसाब से जितनी लगी उतनी। और ये साथ में मैंने लिया है सैंडलवुड पाउडर। ये सैंडलवुड पाउडर की जगह आप कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर भी ले सकते हो। ये मेरा कॉफ़ी पाउडर जम गया था तो मैंने पैकेट से लिया कॉफ़ी पाउडर ऐड करके, अब मैं ले रही हूँ सैंडलवुड पाउडर। तो ये मैं लूज़ पाउडर की जगह ले रही हूँ इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अगर आपको ज़्यादा डार्क या फेंट चाहिए उस हिसाब से आप इसमें वाइट टोन लूज़ पाउडर भी ऐड कर सकते हो, या कॉम्पैक्ट ऐड कर सकते हो, या कॉफ़ी पाउडर कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपका कलर ज़रा सा गेहुआ है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मेरा स्किन टोन ज़रा डार्क है तो मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। तो देखो इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। और अब मैं देखो इसको आपको लगा करके दिखाती हूँ, कलर तो अच्छा है। लग भी अच्छा रहा है। तो ये हमारा बीबी क्रीम बनके रेडी है, ये सेटल हो जाने वाला क्रीम है एकदम सेट स्किन पर। तो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए इसमें ज़रा सी ज़्यादा, तो आप इसका फाउंडेशन लेकर के इस्तेमाल कर सकते हो कवरेज के लिए, इसमें फाउंडेशन ऐड करके। तो मैंने डाला है ज़रा सा फाउंडेशन, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मुझे हल्का सा कवरेज की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें मिक्स कर लिया, अदरवाइज आप इसमें कंसीलर भी ऐड कर सकते हो। तो देखो मैंने इस तरह से इसको अभी दूसरी बार फाउंडेशन डालने के बाद किया, हाँ ये परफेक्ट बन चुका है। अब ये मार्केट की तरह बन चुका है बीबी क्रीम। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है उतना सा ही लगाने पर। तो आप भी ज़रूर इसको बनाओ, ये डेली इस्तेमाल भी कर सकते हो, ना इसमें आपको SPF डालने की ज़रूरत है ना ही। ओ वाह, बहुत प्यारा बन गया है, ये तो मार्केट जैसा बन गया है। और ना ही आपको इसमें प्राइमर ऐड करने की पहले लगाने की ज़रूरत है, आप इसी में ऐड कर लो और बस डायरेक्ट इसको लगा लो। ये सेटल होने के बाद में आप ज़रा सा कॉम्पैक्ट लगा लो, बस आपका बीबी क्रीम रेडी है। आपको ये कैसा लगा बताओ। बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में बस इतना ही फ़र्क होता है कि सीसी क्रीम में ज़्यादा कवरेज होती है तो फाउंडेशन ज़्यादा ऐड होता है, और बीबी क्रीम में उसके कंपैरिजन में कम ऐड होता है, इतना ही फ़र्क है। आप इसको बस एक अच्छे बॉटल या कंटेनर में ऐड कर दो,
ट्रांसफ़र करने के बाद एयर टाइट कर लो और डेली इस्तेमाल करो। तो आपको यह मेरा बीबी क्रीम कैसा लगा, आप भी ज़रूर ट्राई करो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।